से हम फर्नीचर लेके आए हैं, और वो टीवी का जो होता है डिवाइडर कह ले गया उसके लिए, कुछ शेल्फ कह ले, तो परचेज किया है। आईकिया की ये खूबी होती है कि चीज़ों को सेपरेट कर देता है अलग अलग, और उसको आप घर पे लाके कंपाइल कर लें तो आपके लिए किसी भी चीज़ को मूव करना आसान हो जाता है। जितने भी टूल्स हैं उन्होंने दिया है, मतलब कि आपको मतलब अलग से लेना ना पड़े, और जो उनके स्क्रू हैं उसमें ये चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी, तो उन्होंने पैक में ही हमें दिया है ये। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हेलो हाय गुड डे, और कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो एक्टिविटी है या वीडियो है वो एक फर्नीचर के हवाले से है, और इसके बारे में आपको हमारी वाइफ बताएंगी कि उनका स्टोर में आना जाना रहा है, तो वो आपको ज़्यादा डिटेल में बता सकती हैं। तो ये लें। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब, ठीक ठाक। मैं और आज जो है एक्टिविटी है वो है आईकिया से हम फर्नीचर लेके आए हैं, और वो टीवी का जो होता है डिवाइडर कह ले गया उसके लिए, कुछ शेल्फ कह ले, तो ये आईकिया से हमने परचेज़ किया है। आईकिया की ये खूबी होती है कि चीज़ों को सेपरेट कर देता है अलग अलग, और उसको आप घर पे लाके कंपाइल कर लें तो आपके लिए किसी भी चीज़ को मूव करना आसान हो जाता है, और बड़ा ईजी होता है। वो हर चीज़ पर, हर चीज़ के बारे में जो होता है वो टैगिंग होती है उसके अंदर, सारी प्रिस्क्रिप्शन होती है, तो बड़ा इजी होता है। थोड़ी मेहनत है पर मूविंग आसान होती है। इसके अलावा आईकिया की ये खूबी है कि वहाँ आप जाते हैं तो आपके घर का होल एंड सोल आपको सैनिटरी से लेके किचन के अप्लाइंस से लेके फर्नीचर और इवन की उसकी बेडिंग की चीज़ें भी आपको मिल जाती हैं, डेकोरेशन। और जब हम आईकिया नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो आपको ज़रूर वहाँ का विज़िट कराएंगे और दिखाएंगे कि वहाँ पर चीज़ें किस तरह मिलती हैं और किस तरह वहाँ पर चीज़ों को कंपाइल किया जाता है। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि ये हम लेके आए हैं, तो इसमें डिस्क्रिप्शन में था कि इसमें 3 बॉक्सेस होंगे, इसमें इसके नंबर्स लिखे हुए हैं। जैसे ये 1 है, इसको राहिल खोल के दिखाएंगे इसमें है क्या। ये इसकी चीज़ें हैं, ये इसका प्रिस्क्रिप्शन है। बनने के बाद जो है वो इस तरह से ये तैयार होगा। इसमें ये है 1 में जो चीज़ें उसके बारे में है। ये हमारा 2nd बॉक्स है, और इसमें भी जो चीज़ें हैं उसके साथ उसकी डिस्क्रिप्शन मौजूद है कि इसमें क्या कुछ है और आपको किस तरह उसको प्रिपेयर करना है। ये हमारा 3rd बॉक्स है, और ये इसका प्रिस्क्रिप्शन है कि इसके अंदर क्या चीज़ें अवेलेबल है और हमें क्या चीज़ें बनानी है। जब ये तीनों सेट तैयार हो जाएंगे तो हम इनको एक जगह पे तैयार करके कंपाइल करेंगे और आपको ज़रूर दिखाएंगे। ये इसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिसको हम अरेंज करेंगे, क्योंकि मुझे ये कलर पसंद था। इसमें हर कलर अवेलेबल होता है, जैसे फर्नीचर के जो नॉर्मल कलर्स होते हैं वाइट ब्राउन, लेकिन मुझे ये वुडी टेक्सचर बहुत पसंद है इसलिए मैंने इसे चूज़ किया है। इसमें हर कलर आपको अवेलेबल होता है। ये देखें, हमने जो है हमने इसके जो ड्रॉज हैं 6 ड्रॉज हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा। अब जो है इसका जो दराज का बेस है मेन, वो हम माने जा रहे हैं जो ये देखें, आपको पहले भी दिखाया हमने, और ये है इसका बेस। इसको अभी हमें पूरा कंप्लीट करना है, इसमें टाइम बहुत लगेगा। अब ये देखें आईकिया की जो सबसे अच्छी चीज़ है, ये सारे स्क्रू और इवन के उन्होंने ये देखें पाना और ये सब जितनी भी चीज़ें हैं ये उन्होंने टूल्स जितने भी टूल्स हैं उन्होंने दिया है, मतलब कि आपको मतलब अलग से लेना ना पड़े, और जो उनके स्क्रू हैं उसमें ये चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी, तो उन्होंने पैक में ही हमें दिया है ये सारी चीज़ें। तो अभी हम इसका बेस बनाते हैं, फिर आपको ये कंप्लीट करके दिखाते हैं तो ये किस तरह से इसका लुक आता है, तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत ही सिंगल पीस में ये देखें, ये सिंगल पीस में देखें, इसके साइडें हैं ये, और ये इसके स्टिक है, ये इसका बैक है, और ये इसका फ्रंट है, ये सारी चीज़ें। तो ये फिर हम आपको कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं। अब जैसा कि हम इसको बनाने के लिए बैठे हैं, तो इसमें जो है इसमें मुख्तलिफ चीज़ें बताई गई हैं कि आपको किस तरह से चीज़ों को रखना है और किस चीज़ों के बारे में वार्न किया गया है कि आपको इस तरह से इसे नहीं अरेंज करना है। हर एक चीज़ के बारे में पूरी डिटेल मौजूद है कि किस कौन सा टूल कितना है, कौन से नट्स हैं वो कितनी तादाद में मौजूद हैं, कौन से क्लिप्स हैं, ये सब चीज़ के बारे में बताया गया ताकि आपको असम्बल करना आसान हो, और स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ डिटेल में बताई जाती है ताकि आप इसको आराम से अपने घर में सहूलत से इसको कर सकें। बहुत से लोग उसको प्रोफेशनली भी करवाते हैं, लोगों को हायर करते हैं, यहाँ पे ऐसे लोग भी अवेलेबल हैं जो कि एक फ़ोन कॉल पे आके आपका पूरा फर्नीचर भी बना के जाते हैं।
और असम्बल करने के बाद उसको जगहों पर एडजस्ट कर देते हैं। जैसे आपके किचन के डिवाइडर्स हो गए, आप वहाँ से वो भी परचेज कर सकते हैं और यहाँ पे जो कारपेंटर्स होते हैं आके उसको अरेंज करके लगा देते हैं। सारे नट्स टूल लगने के बाद ये 33 स्टेप पे जाके ये चीज़ें तैयार हो जाएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया, पर आप समझ लें कि जिस तरह मैं टेक्सटाइल के फील्ड में कभी कोई शिपमेंट फंस जाती थी, नाइट लगाना पड़ता था, तो आज कम से कम नाइट लग गई मेरी इसका, तो बड़ी मुश्किल। और बस ये था कि कोशिश जारी रही और करते रहें। तो ये देखें इस लुक में ये आया है आपके सामने, टीवी भी कह सकते हैं आप, टीवी भी रख सकते हैं। और बाकी दराज जो है आप देखें, ये दराज इसके अंदर से 3 डोर्स इस तरह, और इसके ऊपर अब जो है हम टीवी रखेंगे। और टीवी ये रहा, सेकंड टीवी हमारा ये, और फर्स्ट टीवी जो है हमारे छोटे बेटे ने उसको गिरा दिया था, और ये हमने सेकंड टीवी लिया है। कोशिश करेंगे इसको सेव करने की, और इसीलिए इसके सेव करने की वजह से पहले जो टीवी था वो हमारा नीचे था, और बच्चों का हाथ चला गया था और बेटे का हाथ चला गया था, तो इस वजह से वो टूट गया था। तो अब जो है हमने ये टीवी लिया है, और इसके लिए जो इतनी मेहनत करनी पड़ी है, देखें अब ये टीवी हम इसमें लगा रहे हैं। कोशिश तो बहुत की सेव करने की, बाकी देखते हैं। ठीक है जी, ये हमारे आज की एक्टिविटी थी। ये देखें टीवी हमने ओपन कर लिया है, और इस तरह की पैकिंग बड़ी अच्छी पैकिंग है। ये पॉली बैग ऊपर से बड़े हार्ड कि आप टीवी को ऊपर से इस तरह से खींच के निकाल लें, फिर एक पॉली बैग अंदर साइड भी है, और बड़ा मतलब पैकिंग बहुत अच्छी की हुई है। ये इसके रिमोट और इसके स्टैंड है। चलें अब इसको फिट करते हैं और लगा के फिर आपको बताते हैं। और सारी मेहनत आज सारा दिन जो है इसी में लग गया, बल्कि रात भी हो गई तकरीबन। ठीक है जी, ओके जी, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, और अपना बहुत ख्याल रखिए, वीडियो को सब्सक्राइब करें, अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।